सूरत शहर में हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा। रांदेर इलाके में साली ने बहनोई के सीने में चाकू मारकर हत्या की। बहन से मारपीट करने वाले बहनोई को साली ने मौत के घाट उतार दिया। सूरत शहर में हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस बीच एक और हत्या का मामला सामने आया है। रांदेर पुलिस थाना क्षेत्र के पालनपुर पाटिया स्थित हिमगिरी अपार्टमेंट में रहने वाले 35 वर्षीय मयूर प्रवीण राठौर सोमवार रात को अपने घर में सो रहा था और उसकी पत्नी काजल बाहर गरबा खेल रही थी। उस बीच उसका साला बिक्की घर में घुसा और निंद्राधीन मयूर के सीने में चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। कुछ समय के बाद पत्नी काजल घर पर लौटी, तब पति का खून से लथपथ हालत में शव देख उसके होश उड़ गए। वहीं खुद के भाई बिक्की ने उसे विधवा कर दिया। होने के बारे में पता चलने पर वह बुरी तरह से टूट गई। दूसरी तरफ साले के हाथों बहनोई की हत्या की घटना को लेकर स्थानीय लोग भी स्तब्ध रह गए। पुलिस का कहना था कि मयूर अपनी पत्नी काजल के साथ मारपीट करता था। इस बात को लेकर विक्की नाराज था। विक्की को गुस्सा था कि उसका बहनोई उसकी बहन के साथ मारपीट और झगड़ा करता है। इसके अलावा ये जानकारी भी सामने आई है कि मयूर का अफेयर भी था। पुलिस ने हत्या के आरोप में विक्की को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू की है। मारो नाम पूजा विक्की भाई पटेल। કઈ ગર્લફ્રેન્ડ હતી પેલા એની સાથે કઈ મગજ મારી હતી તો એને કઈ એને છોકરો થવાનો હતો તો એને 25,000 રૂપિયા આપ્યા મારા ભાઈ તો આપ્યા ને એ બાબતમાં મગજમારી થઈ છે। મયુર પ્રવીણભાઈ રાઠોડ એની ઉંમર છે 34 વર્ષની। મારો ભાઈ LNT માં જોબ કરતો હતો ડ્રાઇવિંગની। કે મારા ભાઈને ન્યાય અપાવો। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।